मेरे YouTube चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो चैनल पर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, इससे जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी को मिलती रहेगी। लेटेस्ट वैकेंसी की सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम यहाँ पर बात करेंगे, एक लेटेस्ट वैकेंसी आई हुई है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने का सुनहरा मौका। एम्स में वैकेंसी आई हुई है, आपकी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट है, आपकी एम्स मंगलगिरी आंध्र प्रदेश में वैकेंसी आई हुई है। पूरे ऑल इंडिया लेवल पे इसका एग्ज़ाम होगा, आप सभी का अलग अलग जगह जो सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, ये वैकेंसी हम कवर करेंगे पूरा, आपका फॉर्म भरने से लेके और फाइनल ज्वाइनिंग तक की। तो सभी लोग इस वैकेंसी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और उसके बाद फॉर्म भरने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, और उसके बाद टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए बात करते हैं एम्स मंगलगिरी की नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट। तो देखिए, आप सभी का अलग अलग पोस्टों पर वैकेंसी है, मेडिकल ऑफिसर, आयुष मेडिकल फिजिसिस्ट, रेडियोथेरेपी, उसके बाद मेडिकल फिजिसिस्ट, न्यूक्लियर मेडिसिन, फिर उसके बाद आपका अगली वैकेंसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, प्रोग्रामर, स्टोर कीपर। ज़्यादा वैकेंसी नहीं, एक एक दो दो वैकेंसी सभी में आई हुई। जूनियर इंजीनियर, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी आपकी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, परफ्यूजनिस्ट, असिस्टेंट डायटिशियन, टेक्नीशियन लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ओटी, एम्ब्रॉयलॉजिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट। फिर उसके बाद आपका न्यूक्लियर मेडिसिन, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, लोअर डिविजनल का लैब अटेंडेंट, ग्रेट सेकेंड, हॉस्पिटल अटेंडेंट, मर्चरी अटेंडेंट। टोटल आपकी 56 पोस्टें हैं, इसमें अच्छी खासी पोस्टें आई हुई हैं। सभी लोग फॉर्म भरिए, और उसके बाद अब हम इसमें देखते हैं कि इसका फॉर्म भरने का डेट क्या है। तो जो फॉर्म भरने की डेट, आपकी जो वैकेंसी है वो 15/3/2024 को इस ये पब्लिश हुई इसकी वेबसाइट पे एम्स मंगलगिरी की। उसके बाद फॉर्म भरने की डेट अभी नहीं आई है, क्लोजिंग डेट भी नहीं आई, मतलब अभी फॉर्म भरने की डेट ही नहीं आई है। जैसे ही आएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे, बता देंगे। और फॉर्म भरने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वेबसाइट अवेलेबल है। उसके बाद अब देखेंगे इसमें हम आगे का प्रोसेस, इसमें ये जो फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। और उसके बाद फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, आप लोग 21 से लेकर 35 साल एज लिमिट इसमें दी हुई है, अलग अलग पोस्टों पे अलग अलग एज लिमिट है आपकी। देखिए आप लोग टेस्ट सेंटर फॉर CBT, CTS टेस्ट सेंटर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका टेस्ट सेंटर आप लोग देख रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, हर एक सिटीज़ में जो जो इंडिया की राजधानी है उन सभी में टेस्ट सेंटर आपके बनाए गए हैं। और मोड ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फॉर दी पोस्ट फॉर ग्रुप ए पोस्ट के लिए केवल इंटरव्यू होगा, और ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए ऑनलाइन मोड ऑफ CBT एग्जाम से ओनली, केवल आपका ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए केवल CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर पर टेस्ट होगा, उसी के थ्रू आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और उसके बाद फिर आइए देखते हैं कि फ़ीस कितनी है। तो जो एज रिलैक्सेशन है, कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन आप सभी को मिलेगा। और फॉर्म भरने की जो फीस है आपकी, URO/OBC/WS की 1400 रुपये, प्लस प्रोसेसिंग भी 100 रुपये, टोटल 1500 रुपये फीस है। SC/ST और XXSM की 900 रुपये, प्लस 100 रुपये प्रोसेसिंग, 1000 रुपये फीस है। और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की एक्सेम्प्टेड कोई फीस नहीं है। तो आप सभी लोग इस रिक्रूटमेंट को अच्छे से देख लीजिए, सभी लोग इसका पूरा प्रोसेस पढ़ लीजिए। और उसके बाद इसमें जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, जैसे ही इसका फॉर्म भरने का लिंक अवेलेबल होगा आपको बता दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से, वैसे इसकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए। वैकेंसी को हम पूरा अंत तक कवर करेंगे, आप सभी लोग इसको ज्वाइन की चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।